दोस्तों नमस्कार, यूसर से आप स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। और कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, बेहतरीन। आज लगभग आठ नौ दिन के बीच में ज़्यादा अंतराल हो गया कि आपकी क्लास नहीं चल पाई, इंडियन ज्योग्राफी भी नहीं चल पाई, कोडी रिकॉर्डिंग भी नहीं चल पाई, और अन्य क्लास लेने के लिए मैं प्रयास कर रहा था, अभी नहीं ले पाया। बस कारण था कि थोड़ी सी व्यस्तता था, बाहर जाना पड़ा, जिसके कारण से मैं क्लास नहीं ले पाया। और इसके साथ साथ मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, इसके नाते से क्लास नहीं ले पाया। क्लास आपकी लगभग आप कंटिन्यू चलेगा, मैंने बताया था कि कहीं जाना था इसके पहले। और दो री एग्ज़ाम 2018 का जो है वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वीडियो 2018 मैंने आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग मैंने समाप्त कर दिया था। रजनिंग पढ़ाने का पूरा वादा किया हूँ, पढ़ाऊँगा भी। कोडिंग रिकॉर्डिंग देने का मतलब ये था कि आपका अल्फ़ाबेट तैयार हो जाए, साथ साथ कहीं भी अगर अल्फ़ाबेट आते हैं तो दोहराना था, कि मतलब कहीं भी अगर आएंगे तो उसी हम टिक के साथ दोहराएंगे आपको, कि याद रहे, और जितनी बार आप उसको दोहराएंगे उतनी बार याद रहेगा और पूरे लाइफ टाइम आपको याद रहेगा कौन सा ये अल्फ़ाबेट किस पे है, किस पे टिक के माध्यम मैंने बताया था। साथ में आपको मैंने बताया था कि रीजनिंग कोडिंग रिकॉर्डिंग देखे होंगे कि आपको मैंने क्वेश्चन कराया था, जितने टाइप बनते इतने सब टाइप बताए थे और जीरो से हीरो लेवल ले गए थे, जिस तरीके हमारा थीम है। आते हैं सीधे पॉइंट पे। आज का जो है न्याय निगम के जो है बारे में बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें 2018 के लिए बहुत मस्ट, क्योंकि 2018 का पेपर हुआ था, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए आज क्लास इसी पे चलेगी। और आज क्लास इतना बताया है कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं, किस किस बेस पे बनते हैं ये बताया जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में अगर आज जितने मैं सोचा हूँ उतना आपको बता दूँ, तो नेक्स्ट क्लास में जितने आए हुए क्वेश्चन हैं अदर एग्ज़ाम में, बैंक में, रेलवे में, और साथ साथ 2018 में 2018 वीडियो में, और UPSC में जितने भी मतलब कठिन कठिन क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन मैं लाऊँगा, और इस चैप्टर के रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे सब लेकर आऊँगा, मैं बताऊँगा। और आप लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बचाइए, निराश मत होइए। देखिए हम आपको सारा पढ़ाने के लिए कहे हैं, पढ़ाएंगे, बीच में जाना था इसलिए जो है आपको बीच जो है नहीं आ पाए, लेकिन अब कंटिन्यू रहेगा जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा। अगर स्वास्थ्य सही रहा तो, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था लगता भी होगा फेस से, देखिए आप देखें तो इस तरीके, सभी लोग आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान दीजिए। आते सीधे न्याय निगम में, देखिए कथन जो स्टेटमेंट होता है, मैंने बताया कि स्टेटमेंट होता है, कथन होता क्या स्टेटमेंट जो है मैंने यहाँ नोट किया है पहले ही, क्योंकि आप जो है उस पर नोट्स बुक में लिखिएगा, जिस तरीके हम बताएंगे उस तरीके लिखिएगा, और इसी तरीके स्टेप बाय देखिए थोड़ा सा बेसिक समझेंगे, क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा किस तरीके क्वेश्चन आऊँ सॉल्व कराऊंगा, और जहां तक माध्यम का आपको सरल रूप में बताऊं तो इस तरीके में बताऊंगा, और एक प्रश्न के आधार को रखते हुए मतलब उसकी ऊंचाई तक ले जाना है प्रश्न, क्योंकि जड़ें मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक कोई भी चीज़ रहेगा तो बहुत दिन तक चलेगा, यही है सिस्टम। ठीक है, यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आइए समझते हैं एक चीज़, जो स्टेटमेंट कथन है एक प्रकार का जो है तर्कवाक है, स्टेटमेंट एक प्रकार का तर्कवाक, इसको नोट कीजिए एक पॉइंट, एक प्रकार का एक तर्कवाक है। इसमें चार जो है भाग पाए जाते हैं, जैसे स्टेटमेंट आया इस तरीके क्वेश्चन आता है कि सभी लड़के होशियार हैं, दो करके दिया जाता है कि इसमें से कोई होशियार है नहीं, इसमें गोला बनाना पड़ता है, जिस तरीके गोलका हम लोग बनाते हैं उसी तरीके, आप समझ में आएगा आपको, उसी तरीके सिस्टम है ये। जैसे बता दिया गया कि सभी लड़के होशियार हैं, कहने का मतलब स्टेटमेंट एक प्रकार का तर्कवाक है, और इसमें चार भाग पाए जाते हैं, एक परिमाण, उद्देश्य, विधेय, योजक। अभी हम बताते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या आते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आइए समझते हैं, जैसे इसमें परिमाणक
में। देखिए इसमें क्या होता है, इसका समझेंगे। देखिए यही चीज़ें हैं यहाँ मैं लिख दिया हूँ, लेकिन मैं इस समझाऊँगा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब तब आगे बढ़ेंगे आपको। देखिए स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अगर हम देखिए 2018 में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पूछा गया था, बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछे गए थे, इसी पे कंपटीशन हुई थी, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी चीज़ को जो मैं कंफर्म करूँगा, एक प्रकार देखा जाए आपको जड़ें मजबूत करूँगा, और तो ये चीज़ें आपकी जो है बहुत दिन तक टिकी रहेंगी। बस किसी चीज़ की अगर किसी मकान का अगर इसके नीचे का भाग पर मजबूत किया है, उसके मतलब जो ग्राउंड जो है जितने पिलर वगैरह होते हैं सब मजबूत किया जाता है, तो बहुत ऊँचाई तक बिल्डिंग जाती है। उसी तरीके हम बनाने का प्रयास करूँगा, बस आप कंटिन्यू बने रहिए। और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, हम बार बार नहीं बोलेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोग अपने दोस्तों तक पूछो, शेयर कीजिए, क्योंकि जब सबके पास पहुँचेगा, सब लोग पढ़िए, तभी पढ़ने में जरूर मजा आएगा। ठीक है, आते हैं। देखिए ऐसा पद जिसका परिमाण निकाले, ऐसा पद जिसका परिमाण निकले, सिर्फ परिमाणिक, जैसे कई प्रकार देखा जाए, इसको छोड़ दिया जाए, लड़के होशियार हैं, होशियार हैं, लेकिन सभी लड़के होशियार हैं, कुछ लड़के होशियार हैं, कुछ लड़के होशियार हैं, नहीं लड़के इसको होशियार हैं, एक प्रकार के एक परिमाण घोषित करता है, बताता है, एक प्रकार का परिमाण बताता है, तो ये प्रमाणिक शब्द होता है। आते हैं उद्देश्य में। उद्देश्य देखिए, अगर कह दिया सभी होशियार हैं, सभी होशियार हैं, तो आप सीधी सी बात समझेंगे ना, कौन होशियार है कौन नहीं होशियार है, लड़का है लड़की होशियार है कि बंदर होशियार है कि जानवर होशियार है, किस तरीके आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर कह दिया सभी लड़के, मतलब एक परिमाण और उद्देश्य के साथ कह दिया कि सभी लड़के होशियार हैं, तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि मतलब एक कथन जो स्टेटमेंट होता है पूरा हो जाएगा। तो आप, मैंने बताया ना कि इसमें चार पद होते हैं, चारों पद का मैं बता रहा हूँ, चारों भाग होता है, एक परिमाणक, उद्देशक, एक विधेयक। आप परिमाणक के बारे में बता दिए और उद्देशक के बारे में, और परिमाणक में क्या क्या आता है, परिमाण में क्या क्या आता है, कोई, कुछ कहता ना, कुछ इसमें से, कोई नहीं, और जो है इस तरीके जो है परिमाण शब्द कहलाते हैं, इसी चीज़ें इसमें आते हैं। ठीक है, आते हैं उद्देश्य में। आते हैं उद्देश्य में। उद्देश्य के बारे में जानते हैं। ऐसा विषय जिनके, मैंने बताया ना कि अगर उद्देश्य हटा दिया जाए, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे किस विषय की बात हो रही है। होशियार है लेकिन कि कौन होशियार है, बंदर होशियार है, जानवर होशियार है, इंसान होशियार है कि लड़का होशियार है, लड़की होशियार है, आप जान ही नहीं पाओगे। लेकिन जब उद्देश्य रहेगा कि इसी की विषय की बात की जा रही है, तो आप कहने का मतलब एक ऐसा पद जो किसी की विषय, मतलब कहने का मतलब जिनके विषय की बात की कही गई हो, उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब ऐसा स्टेटमेंट जिनके विषय के बारे में जो है कही गई बात को, आप इसे उद्देश्य कह सकते हैं। आते हैं विधेयक, जिनके जो है उद्देश्य का, जो उद्देश्य का विशेषता बताता है, कहने का मतलब उद्देश्य का विशेषता बताता है, उसे उद्देश्य का विशेषता बताता है, उन्हें हम विधेयक कहते हैं। विधेय कहते हैं। जैसे मोहन चालाक है, मोहन होशियार है, लड़की चालाक है, लड़की गोरी है, लड़की नाटी है, लड़की मोटी है, लड़के लंबे हैं और लड़के बदमाश हैं, उस तरीके की चीज़ें हैं, सब आप अपने पर मत लीजिएगा। ऐसे चीज़ें हैं कि एक प्रकार देखा जाए इसकी जो है उद्देश्य की विशेषता बताता है, तो विधेय। आते हैं योजक में। योजक में देखिए आप समझिए, योजक होता क्या है, जो उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य और विधेय
कि संबंध घोषित करता है, संबंध घोषित करता है या संबंध बताता है, ये योजक हो गया, योजक, हाँ योजक हो गया, दोनों का संबंध। अगर कभी लड़का लड़के होशियार मोहन चलाक है, लग ही नहीं रहा है, परिवार इसका मिल ही नहीं रहा है, मतलब एक संबंध इसका बन ही नहीं रहा है। लड़के होशियार और लड़का लड़के होशियार कितने लड़के या किस कौन से लड़के, सभी लड़के होशियार है नहीं है, मतलब एक प्रकार देखा संबंध नहीं बन रहा। तो यही जो है एक पद ये हो गया, ये है जो है योजक बनाता है। कहने मत आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आते हैं सीधे टाइप वन पे पहुँचते हैं। यहाँ पे और चीज़ें हैं लेकिन आपको अंदर और नहीं जाना है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें अभी देखिए, अगर मैं जितने टाइप बनता है इतने टाइप बताऊँ, अगर आपको कहीं बीच में नहीं समझ में आता है तो आप परेशान मत होइएगा, बस आप बनते रहिए, सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊँगा। एक एक चीज़ करें कि आपको बताऊँगा और तब समझ में आएगा। ये ऐसा चैप्टर है कि हर जगह आपके काम आते हैं। आते हैं टाइप वन में टाइप वन में पहले आप नोट कीजिएगा, सभी टाइप वन में देखिए इस तरीके मैंने बताया कि सभी जो है परिमाण होता है, सभी आदमी लड़के हैं, आदमी लड़के हैं योजक, ठीक है। और इसमें से दे दिया सभी आदमी लड़के हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, ठीक। अब आते हैं देखिए टाइप वन है और इसको समझेंगे, और बहुत क्योंकि टाइप वन में क्वेश्चन बहुत ही कम सरल पूछा नहीं आता है, बहुत सरल है, क्योंकि आपको समझाने के लिए चीज़ें मैंने बताया कि आपको 10 प्रकार की चीज़ें, 10 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मैं 10 प्रकार का प्रश्न बताऊँगा और आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ ये क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आप कहीं भी अगर थोड़ा सा गड़बड़ होते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए 2018 वीडियो में ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाए थे, बहुत कठिन कठिन पूछा गया था, इसीलिए इसे अभी मैं 10 टाइप बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है उसके बारे में कम से कम आपको जो है चार क्लास तीन क्लास तो लेंगे ही पूरा कराने के लिए, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन सब मैं कराऊंगा बस, ठीक है। आइए आते हैं, कहने का मतलब क्या करा, सभी लड़के आदमी हैं, सभी आदमी लड़के हैं। देखिए सभी आदमी आदमी हो गया ना, आदमी हो गया, सभी आदमी लड़के हैं, लड़के हो गया, सभी आदमी आदमी हो गया, लड़के हैं, करेंगे मतलब जितने आदमी हैं सब लड़के हैं और लड़के के बीच में आदमी होगा। फिर आते हैं सभी लड़के विद्यार्थी हैं, अब यहाँ समझिएगा, जिसको समझिएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें मैं बताऊँगा। देखिए इस तरीके क्वेश्चन बनते हैं, निष्कर्ष में निकलता है इस तरीके दिया रहेगा आपको, सभी आदमी लड़के, क्योंकि 2018 री एग्ज़ाम जो है एक बार हो चुका है और आपको पता है किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा बनना है। जो लोग अभी कल एक लड़का मेरे पास मैसेज किया, सर कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, नए फॉर्म तो पढ़ेंगे नहीं, जितने फॉर्म पढ़े हैं, जो लोग परीक्षा नहीं दिए वो भी परीक्षा देंगे, उनका भी एडमिट कार्ड आएगा, जो लोग परीक्षा दिए तो देंगे ही, ठीक है, आप घबराइए मत। वो कहें कि सर हम जो है परीक्षा दिए ही नहीं थे,
और एबसेंट हो गए थे, मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगा नहीं पाऊँगा। मैंने बेशक इनको बताया कि आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, इससे मतलब नहीं आप एग्ज़ाम, हाँ अगर आपने कहीं फॉर्म में गड़बड़ी की होंगे, एडमिट कार्ड नहीं आया होगा तो आप नहीं दे पाओगे। लेकिन इसके साथ साथ और नए फॉर्म नहीं पड़ेंगे क्योंकि पुरानी वैकेंसी है, तो और ज़्यादा करप्शन होने के कारण जो है वैकेंसी, आपको पता ही है, वैकेंसी जो है रद्द होकर दोबारा री एग्ज़ाम कराने की तैयारी में है। आते हैं फिर निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ऐसे दिया रहता है, जैसे कह दिया कि सभी आदमी लड़के हैं, सभी आदमी लड़के हैं, सभी विद्यार्थी, सभी लड़के विद्यार्थी लड़के हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, बन गया ना। इस तरीके जो है गोलका गोलका बनाना है हम लोगों को, ये टाइप वन है, बस समझना है और करना है, ठीक है। आते हैं निष्कर्ष कैसे रहेगा, इसमें दे दिया, कह दिया कि यही कह दिया कि देखिए सभी 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 आदमी लड़के तो दिए हैं, सभी आदमी लड़के यहाँ खुद दिया है, और इसमें से क्या करना है, देना है कि सभी सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी आदमी विद्यार्थी हैं, सभी लड़के भी विद्यार्थी हैं, सभी आदमी विद्यार्थी हैं, सभी आदमी विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सब होगा। और अगर कह दिए कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ आदमी विद्यार्थी हैं, या कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो आप अगर कह दिया कि विद्यार्थियों में कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, तो कुछ लड़के विद्यार्थी हो गए। अगर पूछ लिया लड़कों में कुछ आदमी जो है विद्यार्थी, कुछ आदमी विद्यार्थी भी हैं और मतलब लड़के, मतलब कुछ लड़के विद्यार्थी भी हैं और आदमी भी हैं, इस तरीके आप कह सकते हैं। एक प्रकार देखा जाए अगर कह लिया कि यही समझ लीजिए, थोड़ा आप समझिए थोड़ा सा, देखिए दे दिया कि सभी लड़के आदमी हैं, सभी लड़के आदमी, सभी लड़के आदमी हैं, ठीक है आदमी हैं, तो ये सब, हाँ सभी आदमी लड़के, सॉरी सभी आदमी लड़के हैं, सभी लड़के आदमी नहीं, सभी आदमी लड़के हैं, तो जितने आदमी हैं सब लड़के बीच में आया है, सभी हो गए। अब अगर यहीं पूछ लिया कि कुछ मतलब कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं, आप सीधी से कह देंगे देखिए इतना जगह खाली है तो कुछ इतना छोटा सा है, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। और यहीं पूछ लिया कुछ आदमी लड़के हैं, कुछ आदमी लड़के हैं, तो सीधी सी बात आप लड़कों में से इतना आदमी जो है, ठीक है समझ में। आते हैं टाइप नंबर वन, निष्कर्ष यही निकलेगा। अभी समझिए सारा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक प्रकार टाइप है। अभी मैं आगे क्वेश्चन में टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आज पूरी क्लास में 10 हो जा रहा है तो नेक्स्ट क्लास में आपको लाऊंगा, बताऊंगा। टाइप टू, टाइप टू में चल नहीं रहा है, टाइप टू में सभी चिड़िया जानवर हैं, सभी चिड़िया जानवर, सभी चिड़िया जानवर है, सभी मछलियां जानवर हैं, सभी मछलियां, सभी मछलियां जानवर हैं। इसका देखिए इसका किस तरीके बनाएंगे गोला, किस तरीके, देखिए गोला इसमें जो है दो प्रकार के बनेंगे। अब यहीं से थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन शुरू होगा, यहीं से क्वेश्चन जो है आपका जो है आने शुरू हो जाते हैं। दो प्रकार के बनेंगे, पहला प्रकार तो देखा जाए दिया क्या है कि सभी चिड़िया जानवर हैं, सभी चिड़िया जानवर हैं और सभी मछलियाँ जानवर हैं। तो आते हैं सभी चिड़िया, चिड़िया हो गई, चिड़िया हो गई, सभी
सभी चिड़िया जानवर हैं, सभी चिड़िया जानवर हैं, सभी मछलियां जानवर हैं। कहने का मतलब सभी मछलियां इस तरीके बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, सभी मछलियां जानवर हैं। अच्छा, सभी मछलियां जानवर हैं, यहाँ से बन जाएगा, यहाँ एक बना दो गोला, यही है मछलियां जानवर है, ठीक है, मान लिख दे रहे हैं, समझ लेना यह मछलियां जानवर है। कहने का मतलब इसमें एक गोला समझ लेना यार, कहा कि सभी चिड़िया जानवर हैं और सभी मछलियाँ जानवर हैं, मतलब दो प्रकार आप इस तरीके बना सकते हैं, जैसे एक हो गया, एक तरीके और बना सकते हैं, जानवर हो गया और ये हो गया पूछा क्या चिड़िया, और ये हो गया इस तरीके बनेगा मछलियाँ। अभी कहेंगे गुरुजी सर ये जी गुप्ता सर ये क्या बता रहे हैं दोनों, मतलब इसको डायग्राम बना दे, इसको बना के दे। देखिए आपके निष्कर्ष में आप जो 18 जो है वीडियो दिए होंगे और इसके अगर हो सके अदर एग्ज़ाम वाले पढ़ भी रहे होंगे तो आपके निष्कर्ष में दिया रहता है कि दोनों आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोनों दिया बना रहेगा और कहेगा कि इसमें से दोनों या सही या गलत, ठीक है, इस तरीके देता है तो आप समझते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इसमें कॉमन होती है चीज़ें दिया जाएगा और जो चीज़ें नहीं मिलती है वो चीज़ें जो है सीधा पूछा जाता है कि है कि नहीं है, ठीक है, इस तरीके दिए थे, अभी मैं बता रहा हूँ। अब आप कह रहे हैं कि इस तरीके कैसे हो गया, अगर किसी बच्चे को मैंने बोल दिया कि एक ब्रेड लाओ, एक ब्रेड है और ब्रेड में इधर के तरफ जो है मक्खन लगा हुआ है, इतना मक्खन लगा, पूरा नहीं लगा हुआ, इतना मक्खन लगा हुआ है, और उसमें से बोल दिए, उसमें से मैं बोल दूं कि आप जो है थोड़ा सा जो है ब्रेड का टुकड़ा तोड़ लाओ, तो बालक यहाँ आता है, बच्चा आता है, बच्चा आता है यहाँ से इतना टुकड़ा तोड़ लेता है जिसमें मक्खन नहीं लगा हुआ है, और मैं तो ये नहीं बताया कि आप यहाँ से तोड़िए कि जहाँ मक्खन ना लगा हो। मैंने क्या कहा इनको कि आप जो है मक्खन को जो है एक ब्रेड है ब्रेड में तोड़कर लेके आओ, कुछ भाग तोड़कर लेके आओ, ठीक है, कुछ भाग तोड़ कर लाओ, लेकिन ये नहीं कहा कि जहाँ मक्खन लगा वही लेके आओ, मैंने ये कहा नहीं है। अगर बालक यहाँ आता है, यहाँ से इस तरीके तोड़ के ले आता है मेरे पास, तो एक कंडीशन बनेगा, नहीं देखिए ये भी अपने जगह सही है, इसलिए मैंने दो गोला बनाया है और इस तरीके आप भी बनाएंगे, स्टेटमेंट दिया रहेगा, निष्कर्ष दिया रहेगा, निष्कर्ष में आपको दिया जाएगा कि सभी मछलियाँ जानवर हैं, ठीक है, और सभी मछलियाँ जानवर हैं, और बोल दिया कुछ चिड़िया मछलियाँ हैं, मतलब दो दो और एक कामन चीज़ें हैं, ठीक है, आते हैं फिर, आई होप समझ में आपको आया होगा, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो दूसरा था सॉरी नेक्स्ट टाइप जो है दूसरा हो गया, तीसरे पे आते हैं, सभी
कुत्ते जानवर है। दूसरा, सभी कुत्ते कुत्ते हैं, इसको देख लीजिएगा, कुत्ते सभी कुत्ते सभी कुत्ते जानवर है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ जानवर बिल्ली, हाँ। दूसरा कथन, जिसके कुछ जानवर जानवर या बिल्लियाँ लिख दीजिए, ठीक है, बिल्लियाँ हैं, ठीक है, कुछ जानवर बिल्लियाँ हैं। आते हैं इसमें, बनाते हैं, मैंने बताया सभी हुआ, कुछ हुआ, सभी हुआ, कुछ हुआ, कोई हुआ, इसमें से नहीं हुआ, इसलिए जो वर्ड आती है ये परिमाणक है, क्योंकि एक परिमाण बनाते प्रमाण जो है उसका मतलब बताता है, इसलिए जो है। और मैंने बताया उद्देश्य क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने बताया है। आइए सीधे इस पे टॉपिक पे आते हैं। कहा क्या है, सभी कुत्ते जानवर हैं, कहने का मतलब कुत्ते हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं, ठीक है, जानवर हैं, कुछ जानवर बिल्लियां हैं, कहने का मतलब कुछ जानवर बिल्लियां हैं, तो आप सीधी सी बात, पूरे नहीं, कुछ जानवर बिल्लियां हैं, इस तरीके बना दीजिए, ठीक है, कुछ जानवर बिल्लियां हैं। एक डायग्राम तो एक बन गया, मतलब एक प्रकार देखा जाए गोलका गोलका ये भी बन गया, या एक और बनेगा इसमें से, देखिए आप दोनों बनाइएगा तभी आपको निष्कर्ष समझ में आएगा, तभी आप कर पाओगे। तुक्का मत मारिएगा क्योंकि माइनस मार्किंग है, और माइनस मार्किंग तुक्का मारेंगे, जितना आप सही करेंगे उतना गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे यही। दूसरा क्या है इसमें, इससे क्या है, सभी कुत्ते जानवर हैं, मैंने बताया कि सभी कुत्ते जानवर हैं, जानवर हो गया, कुत्ते जानवर है, कुत्ते हो गया, पूछ ले कुछ जानवर बिल्लियां हैं, सीधी सी बात, कुछ जानवर बिल्लियां। अभी कहेंगे सर जी ये क्या बना दिए, बिल्ली है, आप कहेंगे सर आपने ये क्या बना दिया इस डायग्राम में, इस ग्राम में। मैंने बताया था कि एक ब्रेड हो गया, ब्रेड में मक्खन लगा है, ये तो कह नहीं रहा है कि हाँ हमें कुत्ता ही वाला चाहिए, हमको स्पेशल इसी में बनना है, जिस तरीके बता दिया यही देख लो दिया है ना, कि अगर यही कह देता, यही कह देता कि बता क्या दे रहा है, हाँ आप यही समझ लीजिए, जैसे ब्रेड वाला जो कहानी ब्रेड वाला बताया थे आपको कि किस तरीके करना है, तो वहीं समझ लीजिए कि इसमें देखिए करना क्या होता है, कि जैसे मैंने बता दिया एक ब्रेड है, ब्रेड में मक्खन लगा है, और क्या कह रहा है, कुछ जानवर बिल्लियां हैं, तो ये तो कह नहीं रहा है कि आप जो है स्पेशल इसी में बनाइए, स्पेशल में बनाइए, या जहाँ कुत्ता है वहीं इसी में बनाइए, तो आप जानवर में कहीं भी बना सकते हैं, जानवर में कहीं बना सकते हैं, तो ऐसे मतलब मैंने बताया था कि ब्रेड में कहीं से तोड़ कर ला सकता है, चाहे इधर से ला सकता है, इधर से जहाँ मक्खन लगा इधर से भी ला सकता है, ठीक है, इसलिए ये भी जो है डायग्राम सही है। आते हैं निष्कर्ष में, निष्कर्ष में आते हैं, निष्कर्ष में क्या है, यही कह देता है कुछ जानवर कुत्ते हैं, और कुछ बिल्लियाँ, ये देखिए बीच वाला है ना जानवर है, ये बीच वाला कॉमन बन रहा, ठीक है, कह दिया कुछ जानवर कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियाँ जानवर हैं, तो कॉमन बन गया, कुछ कुत्ते जानवर हैं,
और कुछ जानवर बिल्लियाँ, दो कॉमन बन रहे हैं। अब इसमें क्या एक नया बन रहा है, देखिए जो इसमें दोनों में नहीं मिला, एक नया निष्कर्ष बन रहा है कि देखिए अगर समझ में नहीं आता क्या घबराइएगा, मैं तभी एक क्वेश्चन बताऊँगा समझ में आएगी, जितने टाइप बनना वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यही अब दो कॉमन हो रहे हैं, एक और है कि कुछ कुत्ते भी जो है जानवर हैं, कुछ मतलब कुछ बिल्लियाँ कुछ कुत्ते हैं, कुत्ते कुछ बिल्लियाँ हैं, ठीक है, जानवर बिल्ली थे एक दूसरे कॉमन हो रहा है, ठीक है। इस टाइप आइए टाइप नंबर फोर, टाइप आइए चेंज करते हैं, लग रहा है आज की क्लास से थोड़ा सा समझाने में समय लग रहा है। हाँ स्टेटमेंट देखिएगा, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, दूसरा सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, सभी खिलाड़ी इस टाइप सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, खिलाड़ी डॉक्टर डॉक्टर हैं, अरे यार डॉक्टर हैं, ठीक है, आप इस तरीके कर सकते हैं। अब यहीं पूछ लिया, इतनी गर्मी हो रही है यार, तबीयत भी सही नहीं है, गर्मी हो रहा है, लग रहा पूरी क्लास आज नहीं पढ़ा पाएंगे, टाइप पूरी, हम सोचा आज टाइप पूरी हो जाती है तो नेक्स्ट क्लास में आपको जो है सारे क्वेश्चन करा दिया जाएगा और जितने भी क्लास में, लेकिन लग रहा क्लास बहुत लंबी जाएगी अभी टाइप। आते हैं पिछले, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं ठीक है, पहले खिलाड़ी बनाते हैं, ठीक है, फिर इंजीनियर, ओके, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं, ये डॉक्टर हो गए, ठीक है, ये हो गया खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी डॉक्टर हैं, सभी खिलाड़ी डॉक्टर अब समझ में आया, इस टाइप पूछता है। अब यही निष्कर्ष पूछ लिया, समझिएगा थोड़ा, बहुत गर्मी है यार, गर्मी पढ़ाना चैलेंजिंग के बराबर है, ब्लैक लेता हूँ। यही पूछ लिया निष्कर्ष में, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं तो पहले ही दिया है, ठीक है, कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं दिया है, क्या कुछ डॉक्टर, जगह गड़बड़ा रहा, इंजीनियर नहीं बने भी नहीं किए, बाग इंजीनियर रहे डॉक्टर लिख दिए थे कई रहे, यही देखिए आप इस तरीके थोड़ा सा संतुलित दिमाग नहीं रहे, गर्मी में थोड़ा सा परेशान हो, इसीलिए जो है थोड़ा सा हमको लग रहा है कि यही बात बंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज ही दसों टाइप बता देंगे, एक सेमेस्टर बताऊंगा, लेकिन आप समझिए यहीं, और पहले दिन क्लास भी थी, यही बात पूछ लिया जाए, निष्कर्ष क्या होता है, निष्कर्ष में कहता है कि कुछ इंजीनियर खिलाड़ी हैं दिया ही है, और कह दिया कुछ इंजीनियर डॉक्टर भी है ना, और कह दिया जाए
सभी सभी खिलाड़ी जो है डॉक्टर है, यहाँ दिया है अब पूछ लिया जाए कुछ जो है कुछ खिलाड़ी डॉक्टर हैं, कह दिया जाए कुछ खिलाड़ी खिलाड़ी कुछ खिलाड़ी डॉक्टर भी हैं, ठीक है, और कुछ खिलाड़ी इंजीनियर भी हैं, कुछ खिलाड़ी इंजीनियर भी है, बीच में देखिए दोनों है, दोनों बन रहे हैं, दोनों गोला बन रहे हैं इस तरीके है। और तीन बने, और जैसे अगर यहीं कर दिया कुछ खिलाड़ी इंजीनियर भी हैं, कुछ इंजीनियर डॉक्टर भी हैं, और यहीं कर दिया कि कुछ खिलाड़ी जो है डॉक्टर भी हैं और कुछ खिलाड़ी जो है डॉक्टर इंजीनियर, ठीक है, इस तरीके आप समझिए निष्कर्ष को। अभी देखिए जो समझ में नहीं आ रहा अभी मैं कुछ समय बताऊंगा सारा समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं टाइप बता रहा हूं और गर्मी बहुत है इसीलिए बोला नहीं जा रहा है कि इतनी गर्मी पढ़ाना चैलेंजेज होती है, इसीलिए आप घबराइए मत। टाइप फोर था ना, हाँ टाइप फोर था, टाइप थ्री तो मैंने बता चुका, टाइप फोर था, अब सिक्स टाइप बचे हैं, मैं बताऊंगा आपको कितना बजा टाइम ने देख बता दूँ, फाइव बता दूँ, जान लीजिए यहीं बंद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्लास में जो है आपको बताया जाएगा सिक्स टाइप है जल्दी बता के क्वेश्चन को, दो चार क्वेश्चन में कराऊंगा और जितने क्वेश्चन आंसर बताऊंगा सभी लोग बने रहिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और सभी लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने गुप्ता सर को जिस तरीके आप पसंद करते हैं इसी तरीके से पसंद करते रहिए, और साथ में सुब्रत को मैंने मैथ भी पढ़ाया, साथ में इंडियन ज्योग्राफी भी चल रही है, क्लास आपकी कंटिन्यू चलता रहेगा, गर्मी बहुत है, तबीयत नहीं सही है इसी वजह से थोड़ी लंबी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, आप लोग बने रहिए, नमस्कार।